हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आए दोस्तों। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आज हम बताने वाले हैं आपको मोदी तूफ़ान के बारे में। मोदी तूफ़ान को फिटिंग कैसे करते हैं, घर बैठे आप अपने मोदी तूफ़ान की फ़िटिंग कैसे करें। तो कभी कभी ऐसा होता है, मार्केट से आप लूज सामान ले आते हैं, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, तो आप हमारी वीडियो देखने के बाद आसानी से घर बैठे तूफ़ान मोदी फ़िटिंग की फ़िटिंग कर सकते हैं। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जितना इसका स्पेयर पार्ट है टोटल आपको जो है एक एक करके बाहर निकाल लेना है। इसका जितना लूज सामान है उसको एक एक करके अलग कर लें, और शुरू से आपको करना क्या है, जो इसकी बेस है नीचे वाली जो फ़िलहाल हमने आपको लगा के दिखाई है, इस बेस में जो है ये हमारा जो डंडा है, ये 2-3 फुट का डंडा होता है, तो इसमें जो 3 वोल्ट होते हैं सबसे पहले इसको जाम करेंगे। 3 बोल्ट खींचने के बाद में ये हमारी बेस तैयार हो जाएगी। उसके बाद में जो ऊपर वाला जो छोटा डंडा होता है इसका, जो हम इसको फिलहाल लगा रहे हैं, तो इसमें जो है स्टील का जो है एक सॉकेट होता है, उस सॉकेट में होती है चूड़ी। उस चूड़ी टाइट करने के बाद में इसमें जो एक बोल्ट भी होता है, बोल्ट भी आपको लगाना है। ये देखिए आप, जौन सा वाला बोल्ट है, इससे क्या होगा, जो ऊपर वाला जो हमारी बेस है, मेन जो मोटर की सपोर्ट है, जो मोटर वाला मेन डंडा है जो हमने इस पर लगाया, इसमें ब्लैक कलर का जो है एक जो कवर है इसका, वो लगाने के बाद में इसकी जो सबसे पहले मोटर की आपको फिटिंग कर लेनी है। मोटर में जो जहाँ पे इसको लगता है, ये देखिए चूड़ी लगी हुई है, इसमें चूड़ी कटी हुई है, इसमें एक बोल्ट भी है उसकी सपोर्ट के लिए, ताकि जो मतलब हमारा चलने पर जो है इधर उधर को घूमे ना और वाइब्रेट ना करे, तो उससे बचने के लिए आपको बोल्ट जो है ध्यान से लगाना है, टाइट कर देना अच्छे से। तो हमने जो फ़िलहाल ये मोटर आपको देख रहे हैं किस तरीके से मोटर हम लगा रहे हैं, उसी तरीके से बेस मतलब बेस को जाम करने के बाद में इसकी मोटर हमने लगा दी है। तो मोटर लगाने के बाद काम क्या आता है, तो सबसे जो ज़रूरी काम है इसका जाल लगाना है। जाल लगाने के बाद में ही जो मतलब इसकी सजावट होगी, जो मतलब देखने में अच्छा लगेगा, तो उससे जो आपकी शो बनेगी वो आपके जाल से बनेगी। तो जाल में भी 3 बोल्ट हैं इसके 10 नंबर के, तो इसके 3ों बोल्ट जाल के जो है 3ों साइड से लगा लें, ताकि जो हमारा जो जाल है वो अच्छे से खिंच जाए। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है दोस्तों, इसमें कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, तो ताकि आपसे मतलब ना हो पाए तो आपको उसी की चीज़ के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि ये क्यों, कभी कभी ऐसा होता है कोई सा बोल्ट कहीं लग जाता है, कोई सी चीज़ कहीं फिट हो जाती है, तो उससे बचने के लिए आप हमने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि आप अगर कभी भी इस तरीके का अगर आप फ़ैन लाते हैं घर पे, तो आपको क्या होता है डिब्बा पैक मिल जाता है कभी कभी, तो उसको जो है खोलने के बाद में जो इसका जहाँ जहाँ मतलब जो फिटिंग बैठानी है उस फिटिंग को जो है आप देख के आसानी से लगा लें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी बेस तैयार करी, उसका जो डंडा था हमने 3 बोल्ट लगाने के बाद में उसको जाम कर लिया। उसके बाद में हमने एक मोटर लगाई, मोटर लगाने के बाद में हमने इसका जाल लगाया। अब जाल लगाने के बाद की जो बारी आती है, इसके जो ब्लेड हैं, जो इसकी पंखड़ी हैं, उसको लगाएंगे। तो पंखड़ी में क्या करना पड़ता है, पंखड़ी में एक ही बोल्ट होता है हमारा 10 नंबर का, तो उसको पंखड़ी को कैसे लगाएं, देखिए इसमें जो सापट है उसमें कट लगा हुआ है, उसमें एक मतलब जो बोल्ट जहाँ पर रुकना है वहाँ ही एक कट लगा हुआ है सापट पे, तो आपको जो है उसके कट का ध्यान रखना है, उसको जो पंखड़ी को उसके कट के सामने ही बोल्ट खींचना है, ताकि जो हमारी ग्रुप है ग्रुप में पंखड़ी अच्छे से फिट हो जाए। क्योंकि आप बगैर ग्रुप के लगाएंगे तो चल चल के जो है पंखड़ी जो घूम जाएगी, लूज हो जाएगी। अब ये जो ग्रुप में लगाया हमने, इस टाइम बिल्कुल ये फिट हो चुका है, देखिए आप रनिंग कंडीशन में आ चुका है, तो ये बिल्कुल इस टाइम पे बिल्कुल ओके कंडीशन में है। अब जो बाहर का जो जाल है उसमें जो है छोटे छोटे बोल्ट दिए हैं कंपनी ने, इसमें लगभग 8-10 बोल्टों का इस्तेमाल हुआ है, ताकि जो जाल की फिटिंग अच्छे से बराबर तरीके से बैठ जाए, उसकी जो वाइब्रेट वगैरह वो ना हो। तो उससे बचने के लिए, वाइब्रेट से बचने के लिए, नीचे जो मतलब इसकी जो निचली वाली बेस है उसमें जो है 5 रबड़ के गुटके भी लगे हुए हैं, ताकि जो वाइब्रेट हम बता रहे हैं बार बार, उससे बचने के लिए वो जो रबड़ के टुकड़े हैं वो उसका इस्तेमाल किया गया है। तो हमने ये बाहर वाला जाल भी इसका लगा दिया है, देखिए इस टाइम हो चुका है हमारा फ़ैन बिल्कुल कम्प्लीट। अब इसकी जो पन्नी वगैरह है हम इसको उड़ा के, और मेन चीज़ एक रह गई है, जो मोदी का जो लोगो है, ये जो इसकी शो है, ये एक लोगो है इसका, क्योंकि ये फ्रंट लोगो है, इसको लगाने के बाद में भी फ़ैन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये सेल का है, अगर आपको इस तरीके का फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी शॉप पर ये अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको बहुत मुनासिब रेट में मिल जाएगा। तो ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से, तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच।